आज मैं सुपर टेस्टी मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ, चीज़ चिली मैगी रेसिपी। फ्रेंड्स, इस मैगी का कोई तोड़ नहीं, और मैगी तो एक ऐसी डिश है जो सभी को पसंद होती है, स्पेशली बच्चों को। तो अब बनाएं इनके लिए स्पेशल चीज़ मैगी। आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन गैस पे रखा है, इसमें मैं 2 स्पून ऑयल डालती हूँ और ऑयल को गर्म होने देती हूँ। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हो जाए, इसमें मैं डाल देती हूँ बारीक कट की हुई हरी मिर्च। हम जैसे कि चीज़ चिली मैगी की ही रेसिपी बना रहे हैं, तो इसमें इसलिए हमने हरी मिर्च डाली है, और आप भी डालें अगर आप चिली इसमें ऐड करना चाहते हैं तो। हरी मिर्च को हल्का भुनने के बाद मैंने इसमें बारीक कट की हुई प्याज डाल दी है। प्याज को बारीक ही कट करें, ज़्यादा मोटा कट नहीं करना है। अब हम प्याज को भी क्रंची होने तक इसमें भून लेते हैं। फ्रेंड्स, प्याज ऐसी चीज़ है, ये आपकी ऑप्शनल रहती है हमेशा। अगर आप खाते हैं घर पे तो ज़रूर डालें, नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बारीक कट की हुई शिमला मिर्च ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। शिमला मिर्च को भी हल्का सा इसमें क्रंची होने तक भून लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कोई और वेजीज में ऐड करना चाहते हैं, अगर इसे वेजिटेबल चीज़ चिली मैगी भी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शनल रहती है। तो यहाँ पे मेरी शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च सब भुन चुकी है, तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। 2 कप पानी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि 2 स्लाइसेस जो हमारे मैगी के आते हैं वो हम इसे बनाने वाले हैं, तो 2 कप पानी मैंने डाल दिया है। अब पानी में ही मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। नमक आप देख कर डालें, क्योंकि हमें मैगी मसाला भी डालना है, तो उसी हिसाब से आपको मैगी का मसाला के हिसाब से ही नमक इसमें डालना है। और 2 पैकेट मैगी मसाला मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 स्लाइसेस मैगी के बनाने, तो 2 पैकेट मैगी मसाला। तो यहाँ पे मैगी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, हल्का हल्का सा जैसे उबाल सी आने लगे पानी में, तो ये दोनों मैगी के स्लाइसेस जो हैं वो मैं डाल देती हूँ। अब इसे हल्का सा एक साइड से पहले हल्का सा सॉफ्ट होने देती हूँ, फिर मैं इन्हें पलट दूंगी ताकि ये दूसरी साइड से भी हल्का सॉफ्ट हो जाए और इनके पीसेस फिर मैं कट कर सकूँ। तो इन दोनों को मैं पलट देती हूँ, और अब देखिए मैं इनके ना पीसेस कट कर लूँगी, ताकि हमारी एकदम खिली हुई अच्छी सी चीज़ी मैगी बनकर आए, एकदम मुंह में जाती है वो जो चीज़ वाला फ्लेवर आता है ना, चीज़ जैसे खिंचती है एकदम मस्त, वैसी मैगी की ये रेसिपी बनके तैयार होगी। अब इसे अच्छे से थोड़ा कुक कर लेती हूँ, मैं इसे थोड़ा चलाती रहती हूँ ताकि ये मैगी भी हमारी एकदम खुल जाए, अच्छे से स्प्रेड हो जाए। फ्रेंड्स, ये मैगी है और ऐसी रेसिपी जो सभी को पसंद आने वाली है, तो इसमें आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बस वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि रेसिपी तो आप देख ही चुके हैं आधी आधी, और अभी आप देख लेंगे, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने मैगी को अच्छे से खोल लिया, फैला लिया है। अब इसमें मैं चीज़ डाल देती हूँ। ये मैंने डाइस्ड चीज़, जो मोज़रेला डाइस्ड चीज़ आजकल मार्केट में मिलती है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे ग्रेटेड करके इसमें चीज़ डाल सकते हैं, तो आपकी ये ऑप्शनल है। मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ किया है। चीज़ को डालने के बाद खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। देख रहे हैं क्या चीज़ी फ्लेवर, जैसे चीज़ मेल्ट हो रही है तो चीज़ कैसे खिंचने लगी है मैगी के साथ, वाओ क्या चीज़ी फ्लेवर आ रहा है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए सिम गैस पे ढककर कुक करती हूँ, फिर गैस बंद कर दूंगी, और अब मैं इसे खोल कर देखती हूँ 1 मिनट बाद। और देखिए क्या चीज़ी मैगी जो है, आप देख रहे हैं क्या चीज़ी मैगी जो है बनकर तैयार हुई है, कैसे ये चीज़ इसमें सब में लपेट गई है और बिल्कुल खिंचकर आ रही है, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, चीज़ी टोस्ट खाते हैं, उस टाइप का ये फ्लेवर बिल्कुल तैयार होकर आ गया है। तो ये थी मेरी आज की स्पेशल चीज़ी चिली मैगी रेसिपी, एकदम चटपटी मज़ेदार चीज़ी मैगी रेसिपी, जो आप सभी को मुझे पता है डेफिनेटली बहुत पसंद आई होगी। तो बस जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।